एक गाइस, आज हम देखने वाले हैं NPTEL NCERT 2020 का असाइनमेंट 4। तो उसका पहला क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एसोसिएटेड विद द ब्लैक बॉडी डैश विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने में। तो इसका प्रूफ है यहाँ पे, जैसा कि लिखा है कि जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का वो इंक्रीज़ करता है, तो जो वेवलेंथ है एट द एमिशन पीक वो डिक्रीज़ करती है। तो इसका ग्राफ भी आपको दिखा रखा है मैंने। और अगला क्वेश्चन है, डैश कांस्टेंट हैज़ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लोअर वेवलेंथ रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम रेडियंस वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट एट टेम्परेचर एज वेल एज डैश। तो इसका आंसर है प्लैंक, प्लैंक लॉ, और सेकंड डैश में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तो इसका प्रूफ भी आपको। और इसका थर्ड क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ लाइट इज़ नोन एज डैश एंड इट कैन ओनली पोजेस एनर्जी एच वी डैश एन एच वी। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। इसका प्रूफ है यहाँ पे, जैसा कि लिखा है कि द एनर्जी ई ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू एच वी इज इक्वल टू सी एच वी अपॉन वेवलेंथ। तो ये इसका प्रूफ है। और इसका चौथा आंसर है, चौथा क्वेश्चन है, द फुल सोलर एनर्जी स्पेक्ट्रम इज़ कंसिस्टेंट विद द डैश एंड द विजिबल रीजन ऑफ दीज लाइज बिटवीन डैश। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इंफ्रारेड एंड वॉयलेट अल्ट्रावॉयलेट। तो ये इसका आंसर होगा। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑन हेरनेश सोलर एनर्जी रिक्वायर डैश कंडक्टिंग शीट मेड अप ऑफ डैश मटीरियल। तो इसका होगा थर्मली कॉपर। और हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मेटल शीट इन सोलर एनर्जी कलेक्टर इज कोटेड विद ब्लैक कलर टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट, इंक्रीज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एंड प्रोडक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सेवन्थ क्वेश्चन है, ग्लास प्लेट ऑन अ सोलर एनर्जी कलेक्टर सेटअप डैश कीप द विजिबल रेडिएशन स्टक बिटवीन मेटल प्लेट एंड ग्लास रिड्यूस द कनेक्शन कनेक्टिव लूजेस रिड्यूस द आई आर रेडिएशन। तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी NCERT की वीडियो आती रहेंगी तो आपको हेल्प मिलती रहेगी आपके असाइनमेंट कंप्लीट करने में। तो हम देखेंगे हमारा एट्थ क्वेश्चन, इसका है, इट कैन इंक्रीज बाई रिप्लेसिंग अ फिन्स और अ मास्क। तो रीज़न है इसका, फिन्स एंड मास्क हैव मोर सरफेस एरिया देन ट्यूब। और सेकेंड पॉइंट है, फिन्स इंक्रीज मोर एयर रेसिस्टेंस। तो इसका आंसर होगा बोथ रीज़न फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब हम देखेंगे हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, पैराबॉलिक डिस्क रिफ्लेक्टर आर इन द शेप ऑफ ए डैश मिरर विच यूज़ द आइडिया ऑफ कंट्रैक्टिंग सोलर एनर्जी एट डैश फोकल लेंथ। दीज आर मेड अप ऑफ हाईली पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम सरफेस। तो इसका आंसर होगा बी, कॉनकेव एंड सिंगल फोकल पॉइंट इज देयर। एंड द टेंथ क्वेश्चन इज, अ सिंगल फोकल पॉइंट पैराबॉलिक डिस्क कलेक्टर इज सेट टू बी डैश। तो इसका हम तीन ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो इसमें बी सी एंड डी फोर ऑप्शन आर करेक्ट। सो गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस ऑफ असाइनमेंट।